हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के जो हमारा वीडियो है गाइस, बहुत ही फायदेमंद होने वाली, बहुत ही ये यूजफुल वीडियो है। आपने हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये है शतावरी। तो शतावरी के फायदे के बारे में जरूर सुने होंगे या इसका नाम जरूर सुने होंगे, क्योंकि मार्केट में शतावर चूर्ण के नाम से पतंजलि कंपनी का दवा आते हैं, बहुत सारे कंपनी बेचते भी हैं। तो इसे कई जगह शतावर के नाम से जानते हैं, शतावरी के नाम से जाना जाता है। और आयुर्वेद के मतानुसार ये नींद ना आने की समस्या को ठीक करते हैं, स्तनों में दूध की वृद्धि करता है, सारी कमजोरी को दूर करता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है, अपच या पथरी की बीमारी उसे ठीक करने का काम करता है। और भी इसके अनगिनत फायदे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। ये शतावरी देख लीजिए, हमारे वीडियो के माध्यम से पहचान लीजिए इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें जरूर बताना। तो इसके आज मैं आप लोगों को पाउडर के भी फायदा बताऊंगा और ये शतावरी की जो जड़ है ना, इसका भी फायदा बताऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के बिल्कुल ही मकसद नहीं होता कि यूट्यूब से हम पैसा कमाएं। हमारे भारत भूमि से 90% आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो चुकी है दोस्तों, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना करके आप सभी तक आयुर्वेद की जानकारी फ्री में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे भारत भूमि से इस प्रकार की आयुर्वेद की जानकारी बनी रहे। और मैं आप लोगों को दोस्तों पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि ये परिवार है, और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े हुए, मेरे परिवार में जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी सिखाता हूं, ताकि आप भी दूसरे की मदद कर सके, दूसरे की भला कर सके, जनहित कर सके। तो आइए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदा को। ये नींद ना आने की परेशानी को दूर करते हैं। कई लोगों को नींद आने की परेशानियां होती हैं, ऐसे में 2 से 4 ग्राम शतावरी की चूर्ण को दूध में पका लें और इसमें घी मिलाकर के खाने से नींद ना आने की परेशानियां खत्म होती हैं। कहने का मतलब यह है कि शतावरी के चूर्ण अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभकारी है। स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए भी शतावरी का सेवन कर सकते हैं। कई महिलाओं को माँ बनने के बाद भी स्तनों में दूध की कमी की शिकायत होती है, ऐसी स्थिति में महिलाएं 10 ग्राम शतावरी के जो जड़ होता है ना, इसके चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें तो स्तनों में जल्दी से दूध की वृद्धि होती है, दूध निकलने लगती है। बहुत से लोगों की सारी कमजोरी आ जाती है, जो लोग सारी कमजोरी हैं, शरीर में ताकत की कमी महसूस करते हैं, वो शतावरी को घी में पका करके मालिश करें, इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। सामान्य कमजोरी दूर करने में भी शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसके बाद बहुत से आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वीडियो उसमें बताया जाता है सेक्सुअल पावर को बढ़ाते हैं। वैसे हमारे चैनल में बहुत से हमारे फैमिली वाले लोग जुड़े हैं, इससे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी जानकारी देखिए मैं शर्म नहीं करता, जानकारी मैं आप लोगों को सही बताता हूं, ताकि आपकी वह कमजोरी ठीक हो और आप भी अच्छे लाइफ स्टाइल जी सकें। तो कई लोग मर्दाना ताकत की कमी या सेक्सुअल स्टेमिना की कमी से परेशान हमने देखे बहुत से लोगों को, हमें मेल भी करते हैं। जो लोग अगर इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, वो हमें hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पर्सनली बात कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें शतावरी को पका करके सेवन करना होता है। या आप चाहते हैं तो दूध के साथ में शतावरी के चूर्ण को 1 गिलास दूध लें और 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल दें और इसे पिए, तो ये स्टेमिना को बढ़ाते हैं, वीर अकाउंटिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये अपच को भी ठीक करने का काम करते हैं। खाना खाने के बाद जिन लोगों को पछतानी, बहुत से लोगों में हमने देखे इनडाइजेशन की समस्या आ जाती है, तो 5 मिलीलीटर शतावर के जड़ के रस को मधुरस और दूध के साथ मिलाकर के पीने से अपच की समस्या दूर होती है। अंतिम फायदा के रूप में बताना चाहूंगा, ये पथरी की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। वीडियो को आधे बीच में अभी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां दूसरे को बता सकते हैं, काफी फायदेमंद होते हैं इस प्रकार की जानकारियां, जनहित कर सकते हैं, जनकल्याण कर सकते हैं। जैसे कि हम आप लोगों के लिए फ्री में जानकारी बताते हैं, ठीक है उसी प्रकार आप भी यह जानकारी को दूसरे को बता सकते हैं। तो पथरी की बीमारी से परेशान मरीज अगर 20-30 मिलीलीटर शतावरी के जड़ से बने जो रस होते हैं, एक प्रकार के हम काढ़ा भी बोल सकते हैं, बराबर मात्रा में गाय का दूध मिला करके पिए, तो इसे पुराना पथरी भी जल्दी से गल करके निकल जाते हैं, ऐसा पुराने हमें हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है आयुर्वेद के उसमें लिखा हुआ है। तो जो भी जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों से बताता हूं, कुछ जानकारी अनुभव किए होते हैं, कुछ जानकारी वेदों के साथ में मिलकर के सीखे हुए होते हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे से जानकारी। अगर लगता है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, तो इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करें। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।